हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसमें हमारे को बोला गया है ए का आइसोलेशन हमारे को फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ बी। मींस इस बी ब्लॉक का हमारे को आइसोलेशन दिया हुआ है स्मॉल बी, डायरेक्शन दिया है राइट वर्ड। हम यहाँ पर वही स्ट्रिंग कंस्टेंट यूज़ करेंगे। मान लिया हमने जो स्ट्रिंग है इसका एक कंपोनेंट एल वन और ये है एल टू, तो स्ट्रिंग एल वन प्लस एल टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर इसको हम एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो लेंथ का सिंगल डिफरेंशिएशन देता है हमारे को वेलोसिटी, और इसका हम डबल डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हम बेसिकली इसका डबल डिफरेंशिएशन लिख देते हैं एल वन एल टू डबल डिफरेंशिएशन इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमारे को एक्सेलरेशन के टर्म्स में आंसर चाहिए। एल वन यहाँ पर ये वाला पार्ट है, ये पार्ट आगे की तरफ मूव कर रहा है तो एल वन में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो बेसिकली ये आ जाएगा हमारा बी प्लस L2 डबल डिफरेंशिएशन इक्वल टू जीरो, तो L2 डबल डिफरेंशिएशन विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ B। तो L2 का डबल डिफरेंशिएशन माइनस B है, दैट मींस इसकी लेंथ में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। डिक्रीमेंट होने कैसे हो सकता है, इसका मतलब A पॉइंट क्या होगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। इट मींस जो हमारा ब्लॉक A है इसके पास एक एक्सेलरेशन है अपवर्ड, जिसकी वैल्यू कितनी है B, और क्योंकि ये इस ब्लॉक के अंदर फंसा हुआ है इसलिए इसका एक्सेलरेशन एक एक्स डायरेक्शन में होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, सेम स्मॉल b। हमारे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं यहाँ पर, इसको x बोला है इसको y बोला है, तो इन कोऑर्डिनेट्स के टर्म में हमारा आंसर दे देंगे हम। हमारा आंसर होगा एक्सेलरेशन ऑफ a इज b i कैप प्लस b j कैप। That's our answer.